हाय फ्रेंड्स, गर्मियाँ और मेकअप सोचते ही हमें डर सा लगने लगता है, क्योंकि जैसे ही हम मेकअप लगाते हैं पसीने से सारा मेकअप हमारा निकल जाता है, फेस ग्रे पड़ जाता है। सो हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे और वो ग्रे भी ना पड़े। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिससे आपका मेकअप मेंटेन रहेगा। मेथड को अप्लाई करने से पहले फेस को अच्छे से क्लीन करना है। मैंने अपने फेस को पहले ही क्लीन कर लिया है। देन आपको एक बोल में ठंडा पानी में टॉवल भिगोकर उसे आपको मसाज करनी है, या फ्रेंड्स आप किसी कपड़े में आइस क्यूब लेकर डायरेक्ट मसाज भी कर सकते हैं। इससे आपके ओपन पोर्स टाइट होते हैं, स्किन इवन टोन होती है, और ये पार्ट आपको बिल्कुल भी फ्रेंड बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो फ्रेंड, आइसिंग करने के बाद मैं ले रही हूँ मामाअर्थ का हाइड्राजेल SPF 50। ये काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन देता है, और फ्रेंड SPF लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप घर में भी हैं या बाहर भी जा रहे हैं तब भी इसे ज़रूर लगाएं। मैंने इसको अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है। नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं ले रही हूँ फिटमी का लूज पाउडर। मैंने जो भी प्रोडक्ट्स अपने फेस पे अप्लाई किए हैं इसके हेल्प से मैं सारा अपना सब कुछ मेकअप सेट कर लूँगी। सेटिंग स्प्रे यूज़ कर लें, और जो भी प्रोडक्ट आपने लगाया हो उसको अच्छे से सेटिंग स्प्रे से सेट कर लें। ड्राई होने के बाद फोर्थ में ले रही हूँ प्राइमर, NYB का प्राइमर, जेल बेस्ड प्राइमर है। इससे जो भी आपके पोर्स ओपन होंगे वो ब्लर हो जाएंगे। प्राइमर अप्लाई करने के बाद आप जो भी फाउंडेशन यूज़ करते हैं आप अपना फाउंडेशन यूज़ कर लीजिए। मैं फिटमी का फाउंडेशन ले रही हूँ। फाउंडेशन आपको बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है, जितनी मिनिमम क्वांटिटी में हो आप उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा फाउंडेशन यूज़ करना अच्छा नहीं होता। क्या होगा कि आपकी स्किन जो है वो अच्छे से ब्रीथ करेगी, और जो आपका फाउंडेशन है वो भी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। नेक्स्ट मैं स्विस ब्यूटी का ये कंसीलर ले रही हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये आपकी स्किन को बिल्कुल इवन कर देता है। उसके बाद जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ करें, जैसा भी आप अपना मेकअप करना चाहते हैं फ्रेंड, ये ट्रिक आपके लिए बहुत अमेजिंग होने वाली है। इससे आपका जो भी मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, स्वेट प्रूफ रहेगा। सो फ्रेंड, इस ट्रिक को आप ज़रूर ट्राई करना, और मुझे भी कमेंट बॉक्स में बताना कि ये आपको ट्रिक कैसी लगी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और फ्रेंड आप प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर करना। जब तक के लिए बाय बाय।